गाइस वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिनेश डेली एड्स में फिर से एक बारी। तो गाइस आज हम आ गए हैं फिर से एक बारी कालका जी के अंदर। भाई कालका जी के अंदर हम आए हैं, काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पर। तो ये शॉप जो पड़ती है नियर बाय देशबंधु कॉलेज के पास पड़ती है, काफ़ी अच्छे मटन कबाब सीख कबाब लगाते हैं। तो गाइस एक बार चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या इनकी स्पेशलिटी है। तो गाइज़ ये है शॉप की, थोड़ी लुक एंड फील दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं बिल्कुल यार मस्त तरीके से सब कुछ आइटम बारबेक्यू हो रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइटम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है चिकन टिक्का और ये है मटन टिक्का। आप सब सारी की सारी चीज़ें यार दोस्त आपके सामने ना लाइव बारबेक्यू होती है पूरी की पूरी, बहुत मस्त तरीके से बनाते हैं ये, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका गाइस। तो गाइस एक बार चलते हैं अंदर और शॉप ओनर से मिलते हैं और अपने लगवाते हैं जो यहाँ की फेमस डिशेज है। तो गाइस एक बार आपको शॉप ओनर से मिलवाते हैं। तो अहमद जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक भैया जी, बढ़िया सर। तो यार काफ़ी अहमद जी आपका काफ़ी नाम सुना था भाई साहब हमने यहाँ पर, जो भी आप आइटम्स यहाँ पर लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए एक बार ही कि आपके पास क्या क्या आइटम है और क्या क्या बारबेक्यू के आपके पास आइटम है, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जनाब हमारे पास जो है कच्चे में मटन चिकन होता है बहुत बढ़िया और हमारे 10-15 साल पुराने दुकान है और अभी जो है हमने हाल ही हाल 2-3 साल हो गया है पक्के काम शुरू किया हमने, जो पक्के में तंदूरी चिकन हो गया, चिकन टिक्का हो गया, मलाई टिक्का, मटन सीख कबाब लाजवाब है। तंदूरी चिकन टिक्का जो होता है बहुत ही बढ़िया और कोई अगर ट्राई करे अगर खा के देखो ट्राई करो बहुत ही बेहतरीन है। और मटन चिकन में बट ट्राई करने से पता लगा बहुत ही बढ़िया, लोग बहुत तारीफ करते हैं, मैं खुद नहीं कहता हूँ बट लोग बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मटन है आपका जी। गाइस इनकी स्पेशलिटी पता है क्या है? इनकी स्पेशलिटी ये है, पहले आज से मतलब काफ़ी टाइम पहले ये रॉ मटेरियल बेचते थे, जैसे रॉ मटेरियल में कच्चा चिकन होता था, मटन होता था आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर कबाब थे और सलामी वगैरह होती थी। बट पिछले 2-3 सालों से इन्होंने अपना बारबेक्यू स्टार्ट किया है। तो एक बार आपको बताते हैं कि भैया ये रॉ मटेरियल क्या क्या आइटम हमारे पास रॉ मटेरियल के होते हैं। जी कच्चे में हमारे पास मटन है, चिकन है, फिश के आइटम मिल जाता है और जैसे कबाब हो गया, चिकन कबाब, मटन कबाब, सॉसेज, सलामी, चिकन लेग पीस, बोनलेस, नगेट, सॉसेज, सलामी, सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल चिकन मटन, हैम वगैरह भी होता है हमारे पास, चिकन हैम, हैम वगैरह भी सब कुछ होता है। बिल्कुल जी। तो गाइस एक बार चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ क्या क्या आइटम हमारे पास है यहाँ पर। तो एक बार गाइस चलते हैं एक बार निकले, लगाओ तंदूरी चिकन लगाओ और चिकन टिक्का, मलाई टिक्का एक एक करके आराम आराम से लगाओ बढ़िया तरीके से और मटन कबाब भी लगाओ खिलाओ, ठीक है जी। तो गाइस एक रेगुलर कस्टमर मिले हैं अभी हमारे को, तो एक बार उनसे फीडबैक पूछ लेते हैं। तो सर कैसा फीडबैक है यहाँ का? राहुल का क्या बोलते हैं, तंदूरी चिकन और अफगानी चिकन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं और इसका प्राइस भी काफ़ी कम है मार्केट के कंपैरेटिवली, तो और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, तो हम यहाँ पे काफ़ी रेगुलर हो गए जब से खुला है। सर कितने साल से आ रहे हैं यहाँ से? यहाँ पे जब से दुकान ओपन हुई है, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ है 2 साल से। अच्छा 2 साल से आप आ रहे हैं, तो सर टेस्ट बढ़िया लगता है? हाँ बहुत बढ़िया है, इसका अफगानी चिकन बहुत बढ़िया है। यह हमारा हैंडमेड कबाब है जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, मटन कबाब। यह हमारा स्पेशल डिश है जो प्योर मटन। अब डालोगे या अफगानी चिकन, मैं अमेरिकन करने जा रहा हूँ, उसमें जाएगा मिर्ची, नॉर्मल मसाला का बनता है अफगानी चिकन, जूसी होता है, क्रीमी, चाट मसाला, हल्की नींबू, इसमें बटर जाएगा या अमूल की बटर है और चीनी को दोबारा से इसको मैरिनेट करने के लिए, तो ग्रिल में रख के गर्म के लिए
दिखाता हूँ जो गरम गरम खाया कस्टमर। बताओ ये दोबारा इसमें क्यों रखा गया? अभी दोबारा इसलिए रखा गया कि क्रीम ठंडा होते हैं और इसको गर्म करने से और जूसी हो जाते हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो ये कैसे कितना गर्म होता है। और एक्चुअली क्या है, ये गर्म होने से इतना मज़ा आता है टेस्टी। आप इसमें आप रुमाली भी ले सकते हो उसके साथ और वैसे भी खा सकते हो। बहुत जूसी है अफगानी चिकन, आपको ये दिखाता हूँ। तो गाइस इसलिए किया जाता है सारा का सारा क्योंकि क्रीम ठंडी होती है ताकि वो अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाए, मिल जाए और भाई आपको टेस्ट आ जाए। सबसे ज़्यादा हमारा फेमस अफगानी चिकन है, यही सबसे ज़्यादा फेमस अफगानी चिकन और मटन कबाब जो हमारा प्योर बनता है वो आपको वीडियो में दिखा दिए। तो हाय भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? हो गए 1.5-2 साल तो हो ही गए आते हुए। रेगुलर 1.5-2 साल हो गए रेगुलर होते हुए, तो 1.5-2 साल हो गए। उससे पहले मतलब आते थे। तो क्या टेस्टी लगता है वैसे यहाँ पे? मतलब इनका जो मटन सीख कबाब है बहुत बढ़िया है इनका। इनफैक्ट जो मटन सीख कबाब हम खा रहे हैं और जो इनका जो रॉ भी देते हैं ये, वो भी बहुत बढ़िया है इनका। तो टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है? टेस्ट बहुत बढ़िया है। मसाले वगैरह सब बढ़िया रहते हैं? मसाले वगैरह बहुत बढ़िया है, चटनी प्याज के साथ तो बात अलग ही हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब देख सकते हैं लोग मतलब रेगुलरली यहाँ पर आते हैं। भाई साहब टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो दोस्तों अपने भी लगवाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर वीडियो के अंदर। तो गाइस आप देख रहे हैं सीख कबाब एक बार। अरे भाई क्या मज़ेदार लग रहा है भाई, मक्खन तैयार रहा है पूरा का पूरा इसके अंदर। तो गाइस एक बार टेस्ट करते हैं इसको भी। अल्टीमेट टेस्ट है गाइस, अल्टीमेट टेस्ट है इसके अंदर। आप देख सकते हैं एक बार, हरी मिर्च और लच्छा वगैरह डाला गया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है। मसाले बहुत बेहतरीन लग रहे हैं दोस्त खाने में। तो गाइस बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया टेस्ट लगा मेरे को इसका। तो गाइस फिर वही कहूँगा आपको कि भाई यार कबाब रुमाली रोटी के बिना हो तो मज़ा ही नहीं आता भाई साहब। तो एक बार रुमाली रोटी से खाते हैं इसको भी और थोड़ा सा प्याज और चटनी लगाते हैं इसके अंदर। भाई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका यार, मज़ा आ गया। गाइस अफगानी के चिकन देख रहे हो आप एक बारी? ये देखो यार पीस देखो, पीस एक बारी पहले भाई, पीस देख के ही ना इतना मज़ा आ रहा है और ऊपर से मक्खन। तो भाई अपना फेवरेट आ गया है लेग पीस। ये देखो पहले, सबसे पहले यार एक चीज़ देखो यार इसके अंदर भाई, अच्छी तरीके से ना पूरा कुक किया गया है, अच्छी तरीके से बेक किया गया है इसको। एक बार देखो इसको भाई, मज़ा आ गया। जिस तरीके से मैरिनेशन की गई थी ना इसकी भाई, उससे बढ़कर नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, उससे बढ़कर टेस्ट आ रहा है इसका। बहुत बढ़िया टेस्ट है गाइस, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। तो अहमद जी एक बार टाइमिंग बता दीजिए शॉप की। टाइमिंग है कच्चे का है सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, और पक्के का काम हमारा शुरू जाता है शाम को 6 बजे से लेके रात को 10:30-11 बजे तक। जो पका हुआ जो मिलता है हमारे पास, पका हुआ 6 बजे स्टार्ट होता है। और यहाँ पर किसी को लोकेशन थोड़ा समझा दीजिए। ये है एक कालकाजी पड़ता है हमारा, नेहरू प्लेस, कालकाजी नेहरू प्लेस के अपोजिट पड़ता है, कालकाजी HDFC बैंक के सामने दुकान है। एड्रेस है A119 कालकाजी डबल स्टोरी, और सामने HDFC बैंक है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे MCT स्कूल भी है और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के पास ही पड़ता है। मतलब जी आपको खाना कैसा लगा जब भाई जान? मैं एक सच बात बोलूँ आपको, मैंने ना बहुत ज़्यादा खाना खाया है नॉनवेज, ठीक है, बट नाम सुना था आपका, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था यार यहाँ पे आने के लिए, टाइम नहीं लग रहा था। बट मैं एक सच्चाई बताऊँ आपको, आपका जो खाना है ना भाई साहब, मसाला वगैरह इतना टेस्टी है, मतलब सब अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर कुक करके किया गया है, तो जो भी यहाँ पर आएगा ना तो उसको टेस्टी लगेगा। तो भैया थैंक यू वेरी मच हमसे मिलने के लिए, थैंक्स अ लॉट। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस बहुत ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की हमारे को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, सी यू।